गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग इंजॉय कर रहे होंगे। ये अगर इंजॉय कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और सुबह सुबह मैं निकल गई अपने बेबी को कीटा पे ड्रॉप करने के लिए। और आपको बहुत सारे नॉइज़ आ रहे होंगे बैकग्राउंड में, बिकॉज सुबह सुबह क्या होता है ना, देखो कंटेनर वगैरह जो ग्लास के होते हैं ना, उसको वो लोग खाली करते हैं और लेके जाते हैं। ये BSR वाले हैं, रिसाइकलिंग वाले हैं। सो यस, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आज मैं आप लोगों से अपना पूरा दिन का रूटीन शेयर करूँगी। रूटीन क्या मतलब, मैं क्या क्या करती हूँ, कितना भागम भाग है मेरी लाइफ में। सो आप बने रहिए मेरे चैनल पे और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, ठीक है। थोड़ा पीछे चलते हैं और रिमाइंड करते हैं मेरी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे होती है। सो यस, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है जिंजर टी से, लेमन टी। यस, पानी को बॉईल करके उसमें जिंजर डालती हूँ, 5 मिनट वो बॉईल हो जाता है एंड देन उसको है ना मैं छान लेती हूँ और हनी डाल के मैं जो पीती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना टेस्टी लगता है। और वेदर की तो डिमांड है, अभी ऐसा वेदर है यहाँ पे कि मतलब ना पियो तो मॉर्निंग तो अच्छी होती ही नहीं है। सो यस, ऐसे होती है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत। बारिश का मजा लो मेरे साथ देखो कितनी बारिश हो रही है। अरे बारिश क्यों हो रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो क्लाउडी इतना है, मतलब मुझे तो गुस्सा ही आ रहा है, सही बता रही हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट उठाया अभी, ब्रेड, ये सेजाम को ब्रेड है, काफ़ी अच्छा है, मैंने सोचा चलो खा लिया जाए। मैंने सोचा क्यों ना, ब्लॉगिंग है तो प्रॉपर ब्लॉगिंग होनी चाहिए ना, तो बस यही है हमारा। मैं आ गई, अभी मैं हूँ लॉकर रूम में और मैं शूज़ चेंज कर रही हूँ, अभी देखती हूँ आगे मैं ज्वाइन करूँगी और आपको बताती हूँ कैसा चल रहा है। और अभी मैं अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच चुकी हूँ, शूज़ में वेयर कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ और ये मेरा हो गया एंड ये रहा मेरा टॉवल, वाटर मैं ले रही हूँ। हमारा सेशन तो हो गया, बहुत अच्छा सेशन था, मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी, अभी तो चल रहा है बस, थोड़े दिन हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगी। अब मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ भाग भाग के अपने बेबी को पिक करने, देखती हूँ कॉल तो आ गया है, 30 मिनट्स हो भी गए हैं। सो यस, मैं जा रही हूँ। देखो हमारा घर कहाँ है, मतलब इंसान ना भी चाहे ना शॉपिंग करना, तब भी शॉपिंग तो वो कर ही लेगा, ऐसी जगह पे घर है हमारा। चलो मैं भाग भाग के जा रही हूँ अब जल्दी से बेबी को पिक करने। ये रहा हमारा नियरेस्ट सबवे, चलो ग्रीन हो चुका है सिग्नल, रेड भी हो गया देखो क्रॉस करते करते। मुझे ना इसीलिए वेदर अच्छा नहीं लगता, मतलब वैसे तो सही रहता है, बारिश है ना टिप 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 हमेशा होती रहती है, मतलब एकदम से ना मूड ख़राब हो जाता है। तो एक फ़नी बात मैं बताती हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, सब कुछ किया, बेबी को ब्रेकफास्ट कराया एंड देन मैं खुद ही ब्रेकफास्ट करना भूल गई, क्योंकि है ना मतलब इतनी भागम भाग रहती है ना मॉर्निंग में, कुछ पता ही नहीं चलता। सो अब भूखे तो रहना नहीं था, ना ही ब्रेकफास्ट स्किप करना था, तो मैंने सीजन ब्रेड लिया एंड देन खाया, तो मैंने बताया ही था। और मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ अपने बेबी के कीटा उस, देखो फॉल वाली वाइब आ रही है ना अब तो मैंने पिक कर लिया है अपने बेबी को और देखो रेन कवर के अंदर है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना वेदर ख़राब हो चुका है, मतलब बूंदाबांदी तो हो ही रही है और कभी भी तेज़ बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल जाती है। सो अभी थोड़ा ना बूंदा बूंदी हो रही है, मीन्स कि बहुत तेज़ बारिश भी नहीं हो रही है, बट यू नो एक दो बूंद गिर रहा है, तो मैंने सोचा बेबी को कवर कर दो। सो चलो मैंने पिक कर लिया है इसको, अब मैं घर जाऊंगी एंड थोड़ा लंच प्रिपरेशन करूँगी, देखती हूँ क्या करती हूँ, आपको बताती हूँ, अपडेट करते रहूँगी। और इंडियन मम्मा की लाइफ यहाँ पर कैसे चल रही है मैं आपको बताते रहूँगी। अभी तो मतलब इसका आईने के वोनिंग चल रहा है एडेप्टेशन, और मतलब 2 मंथ तो हो चुके हैं
अभी भी ये अकेले नहीं रहता है, रहता भी है तो 10-15 मिनट, हार्डली 30 मिनट्स बस। सो देखते हैं कब तक ये चलता है, एक बार ये सेट हो जाए फिर देखते हैं अपना क्या करना है। एंड देखो अच्छे वर्कआउट के बाद ना कितना ग्लो करता है स्किन। मैं ये तो नहीं बोल रही कि मेरा स्किन बहुत ग्लो कर रहा है, बट यू नो पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो मैं वो भी लिफ्ट में पहुंच गई अपने घर। ये आज मैंने बनाया है राइस एंड राजमा। यस, ये है मेरा लंच, यमी यमी इन माय टमी। ये हो गई है शाम और बारी आती है अब टेस्टी टेस्टी मिल्क जिंजर टी की, यस अदरक वाली चाय की। यहाँ मैं चाय कैसे बनाती हूँ वो देख लो, ऐसे तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कैसे चाय बनती है। यस ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत पसंद है शाम की चाय, हम लोग कभी मिस नहीं करते और उसको खाते हैं हम लोग यस मठरी के साथ। मतलब इतनी कैलोरीज हम लोग गेन करते हैं ना इसी चाय और मठरी के चक्कर में, बट क्या करें दिल है कि मानता नहीं। अब चलो थोड़ा इवनिंग वॉक कर लेते हैं। हेलो, मैं वॉक के लिए आई हुई थी अभी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए। अभी रात हो चुकी है, आई मीन इवनिंग है, 8 o'clock हो चुके हैं इवनिंग के, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वॉक कर लिया जाए डिनर के बाद। तो यस मैं वॉक के लिए आई हुई थी, पास ही में एक शॉपिंग मॉल है, मैंने सोचा इससे अच्छी जगह तो कोई वॉक के लिए हो नहीं सकती थी बिकॉज बाहर रेनी वेदर है ना और दिन में तो बहुत भागम भाग हुई, तो अभी मैं यहाँ पे आ गई। देखो पीछे काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये ग्रीनरी, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। सो मैं वॉक कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब आप लोगों को बताया जाए, और अभी मैं जा रही हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा सा डायपर वगैरह भी ले लूँ बेबी का। सो यस चलो मैंने उठा लिया डायपर। ये कैबेज पाई बहुत यमी था, मैंने तो आज बहुत सारा कैलोरीज बढ़ाया है अपना, ज़्यादा टेंशन लेती नहीं आजकल मैं, इसी चक्कर में मोटी होते जा रही हूँ मैं, बट दैट्स फाइन आई थिंक। देखो बहुत यमी है, बहुत बर्लिन का नज़ारा, आधी रात को मैं घूम रही हूँ। देखो आज कितना वॉक कर रही हूँ मैं, सिग्नल ग्रीन हो गया और मैं रोड क्रॉस कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरा मन किया कुछ खाने का बाहर का, तो मैं आगे लेने। अब मैं आ गई सोने। सो आज का दिन बहुत ही टायरिंग था, देखते हैं कल का मॉर्निंग कैसा होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय बाय।